हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस कैसे हो, आई होप कि आप सब बढ़िया होगे। तो गाइस अभी का सीन कुछ ऐसा है कि मेरे हाथ में हेलमेट और देख के समझ तो गए होगे कि कहीं ना कहीं जाने की प्लानिंग है। तो अभी जाने की प्लानिंग ऐसी है कि बाइक ही खड़ी है श्याम और अभी मैं, तो अभी हम दोनों जा रहे हैं फिलहाल अपने गाँव, मेरे गाँव जा रहे हैं मेरी दादी को देखने के लिए, मिलने के लिए। तो अभी और आज ये हल्ला हो रहा है इस वजह से क्योंकि आज 10th का और 12th का रिजल्ट आ गया है, तो उसी को चेक कर रही है, अपने चाचा के लड़के का चेक कर रहे हैं श्याम। अभी पास है, फेल है, पास है ना। तो मेरा भी एक छोटा भाई है चाचा का लड़का, वो भी आज पास हो गया, उसका भी फोन आया था। तो अभी चल रहे हैं गांव में और मस्त, अभी दोपहर के हो रहे हैं 2:30। तो अभी यहां से निकलने वाले हैं, धूप हो रही लेकिन इतनी तेज नहीं हो रही, क्योंकि साफ है, थोड़े से बादल हो रहे हैं। तो गाइस अभी मेरा आउटफिट कुछ ऐसा है और इनका आउटफिट कुछ ऐसा है, तो ये देख लो बाइक खड़ी वहां पे तप रही है। तो अभी चल रहे हैं गाइस, ठीक है, हेलमेट लगाऊंगा बाद में, चश्मा नहीं लाया मैं, क्योंकि एक एक आदमी हेलमेट लगा लेगा, एक चश्मा लगा लेगा, एक ही बात है। चलें, एक मिनट डाल दियो, प्रैक्टिकल में 30 मिलेगा। अभी डलवा रहा हूँ मैं अपनी बाइक के अंदर पेट्रोल, तो वो भी पावर का डलवाता हूँ मैं, नॉर्मल वाला नहीं डलवाता, क्योंकि पावर का पेट्रोल एक्स्ट्रा प्रीमियम डलवाने से गाड़ी के पार्ट और माइलेज अच्छे रहते हैं। गाड़ी कहां से डिवाइडर पे चढ़ा के लाके मार के बस ऐसी कैसी है तो अभी बुलेंसर पहुंच गया हूं मैं और अभी यहां से करीब 20-25 पता नहीं पड़ेगा जहां तक है, तो आधा समझ लो आधा से कट गया और आधा और बचा है, और उसके पास होंगे हम गांव में। अभी बुलेंसर का भूर चौरा है, यहां पर खड़े हैं हम, अभी इनको भूख लगी तो इन्होंने खाले पड़े, तो अभी यहां से चल रहे हैं। और बाल मेरे बिगड़ गए क्योंकि हेलमेट लगा रखा था मैंने, अभी थोड़ी देर और बिगड़े रहेंगे, ठीक है। तो गाइस अभी मैं अपने गाँव के नज़दीक बिल्कुल पहुँच गया हूँ, यहाँ तक 5-6 किलोमीटर है बस, और ये हाईवे है, तो अभी मैं यहाँ पर खड़ा हूँ मस्त। तो अभी यहाँ पे स्टिंग पी थी और क्योंकि गला सूख रहा था, स्टिंग पी लिया और बाइक यहाँ पे खड़ी है और ये भाई अभी बैठे हैं। तो यहाँ से 5 किलोमीटर के आसपास और पड़ेगा, और बाल मेरे देखो कितने बेकार हो रहे हैं, हेलमेट लगाने से हो ही जाते हैं। तो बस पहुँचने ही वाला हूँ मैं, ठीक है, वही तुम्हारे बाल कर रहा सलमान खान मुश्किल से ज़्यादा ज़्यादा 5 या 10 मिनट और लगेंगे, बस 10 मिनट लगेंगे, उसके बाद मैं अपने गांव में होऊंगा, ठीक है गाइस। तो इंटरेस्टिंग व्लॉग होने वाला है, मतलब कुल मिला के स्किप मत करना, ठीक है, यहाँ तक देखते हुए आए हो तो पूरा व्लॉग देखना। गाइस अभी फाइनली पहुंच गया हूं अपने घर, तो अभी घर पहुंचने के बाद मुझे मिल गई मेरी दादी, ये मक्खन बना रही है, ये मेरी बुआ सबसे बड़ी वाली, और ये मेरी दोनों बहन है। तो और अभी ये बैठे श्याम यहां पे, तो गाइस अभी चाय रखी है यहां पे ये रही, और सब ले रहे चाय पी रहे हैं, तो मैं पी लूँ अभी, तो थक गया मतलब इतनी दूर से आने में, आने के बाद फिर मेरे यहाँ से मन नहीं करता जाने का, सच्ची बात तो ये है, एक बार या तो आऊँ ना और आ जाऊँ ना, फिर मेरा मन नहीं करता जाने का। और अपनी दादी बैठी है मेरी, बताई तो है, ये ऐसे भी लोग बनाओ तुम वहाँ बाजार में खड़े हो क्या हाँ ऐसी बनाओ, ऐसे वहाँ बनाए तुमने मथुरा में, मथुरा में तो पूरा सेटअप लेके गया आपने, तो अभी मैं यहाँ से चाय पी के फिर जाऊंगा अपने बीच वाले चाचा के यहाँ, तो उनके पैर में लग गई थी, तो उनका एक्सीडेंट हो गया था,
तो उनको देखने जाऊंगा, अभी देखूंगा कि तबीयत कैसी है, पहले से राहत है या नहीं है। तो फ्रैक्चर हो गया था, उनकी कान में टांके आए थे तो काफ़ी बुरी तरह से। सो ये हड्डी वाली जो की है 10-5 दिन पीछे ले जा। हाँ। लेकर तभी जाता मैं। अरे उनके तो खूब लड़के गए हो दवाई। हाँ तू वहाँ मत जा, मेरठ मेरी गई ना। हाँ मैं यहाँ के परेशान सुन ले बता। मैं तारा हूँ यहाँ और चल मेरी गई। मेरी माँ माँ सुन ले, 10-5 दिन में भी है उनके रो रहे। अच्छे दिन होता फिर मैं तो रहने दो, खैर छोड़ो तुम तो बेकार की बात नहीं। तो अभी मेरी दादी मेरे को डांट रही है थोड़ा बहुत, जो कि मुझे बहुत प्यारी लगती है। किस किस को अपनी दादी बाप पसंद है वो लाइक कर देना। तो जो चाय पी रही है बगल में बैठ के, वो हमारी सबसे बड़ी वाली बुआ है। तो अभी हमारी दादी बोल रही है, बाल कटवाने के लिए भी बोल रही थी कि बाल कटवा रहे, अपने काफ़ी बड़े हो गए। और ये हमारे चाचा हमारे पापा से छोटे हैं, तो इनका ही फ्रैक्चर हो गया था पैर में और कान पे भी टाँके आए हैं, तो इनका एक्सीडेंट हो गया था। तो इनको भी देखने के लिए आए हैं और दादी को भी देखने के लिए आए हैं। तो अब ये बता रहे हैं, तो पहले से थोड़ा इनको रिलीफ है अब, और ये इनका घर है कुछ इस तरह से। अभी चाचा को देख लिया हमने, उनके लग रही थी चोट, अभी उनका प्लास्टर हो रहा है। तो अभी वो ठीक है, पहले से बेहतर हैं। और अभी ये हमारे चाचा का ही घर है, ये वाला हमारे बीच वाले चाचा उनका घर है। और ये उनकी भैंस और गाय, गाय तो सही। हाँ तो ये बीच में है ना, तो जब फिर एप्लीकेशन वगैरह लगाने का टाइम ना हो, तो गाइस ये हमारा घेर है, तो जिसको हम तो मतलब बढ़ते नहीं है, मतलब हम तो यहाँ पे कुछ करते नहीं, हम तो बाहर ही रहते हैं। चाचा हैं वो ही यहाँ पे करते हैं है ना। तो ये छोटा सा गरीब आदमी का देख लो। तो गाइस अभी बज गए शाम के 5:30 और अभी यहाँ से निकल रहे हैं, और मौसम होने लगा है खराब, तो अभी चल रहे हैं यहाँ से। तो काफी लंबा सफर है, तो टाइम लगेगा हमें जाते जाते। तो अभी चलने वाले हैं यहाँ से, तो अपनी बुआ से अपनी दादी से पैर छू के आशीर्वाद ले लेता हूँ मैं। आशीर्वाद लेना बहुत जरूरी है, तो अभी इनसे आशीर्वाद ले लूँ दादी से अपनी से। और तो गाइस अभी खड़े हैं ब्लेंजर के भूड़ चौराहे पे लौटते टाइम, अभी तो वापस जा रहे हैं अपने घर के लिए। तो अभी का सीन कुछ ऐसा है कि बाइक यहाँ पे हमारी खड़ी है और पीछे लगवा रहे हैं बर्गर, तो बर्गर लगवानी है दो, क्योंकि भूख लग रही है थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं लग रही, शाम को ज़्यादा मन है, इस वजह से बर्गर लगवानी है। तो बर्गर खाएंगे और अभी थोड़ी बहुत देर में पहुँच जाएंगे घर, करीब आधा घंटा पौन घंटा इतना मान लो। अभी यहाँ पर टाइम लगेगा तो पौना घंटा मान लो कम से कम, तो 40-45 मिनट और लगेंगे बस पहुँचने में। उसके बाद होंगे अपने घर। तो फाइनली गांव हो आया हूँ मैं। और अभी का यहाँ का कुछ सीन ऐसा है कि बुलंदशहर भूड़ चौराहे पे इतनी भीड़ रहती है, देखो कितनी भीड़ रहती है, क्योंकि मेन भूड़ चौराहा है ये, और यहाँ से हर कहीं के लिए बस मिलती है। तो ऐसा कुछ सीन है। तो गाइस अभी आ गया हूँ घर, और अभी बिल्कुल जस्ट आए हूँ और बाइक खड़ी करके पीछे, तो जस्ट अभी आया हूँ बाइक खड़ी करी है, अभी 10 मिनट हुए बस आए हुए। तो अभी खाता हूँ खाना, भूख लग रही है, तो काफ़ी टाइम हो गया। और अभी बज रहे हैं रात के 8:15, 8:15 हो रहे हैं, तो अभी खाना खा लेते हैं। गाइस अभी खाने में बने हैं मेरे पसंदीदा करेला, रोटी रखी और रायता। अभी ये कर रही है जिद बहुत ज़्यादा, तो गाइस अभी लेट ना हो रहा है खाना वाना खाने के बाद, और अभी बज रहे हैं रात के 10:30। और अभी मैंने एडिटिंग कर ली है पूरी, तो अभी एडिटिंग करके बिल्कुल फ्री हो गया हूँ। तो अभी आ रही मुझे नींद, आंख भर रही है मेरी इनसे, क्योंकि आज बहुत घूमा फिरा हूँ मैं, तो इस वजह से थक गया हूँ। मगर इनको नींद नहीं आ रही, मन इनको नींद नहीं आ रही, और अभी इसको जब मेरे पास सोएगी। ओ आप गांव गए थे ना, मुझे क्यों नहीं लेके गए? आपकी बात लेकर चल को। तो गाइस अभी फाइनली ये व्लॉग इतना ही,
तो अभी मैं इस व्लॉग को यहीं पे एंड कर रहा हूँ। तो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। मैं करूँगा पहले मैं करूँगा, उसके बाद तुम करियो ना। ठीक है तो बाय बाय, टेक केयर।